आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुख करते हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर देश प्रदेश की उन तमाम खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। राव विधानसभा क्षेत्र में चुनावी परिणाम इस बार कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिल रहे हैं। कल लगभग सभी क्षेत्र के 30 पंचायत में सरपंच पद के चुनाव संपन्न हुए। इधर मतों की गिनती शाम को 7 बजे शुरू हुई, जो देर रात तक चलती रही। परिणाम आते रहे। आज सुबह तक 30 सरपंचों में से 20 से 22 लोगों का स्पष्ट रूप से सरपंच घोषित कर दिया गया। विधायक पटवारी सुबह से ही कमान संभाले हुए थे। सभी पंचायतों पर रात से ही पटवारी ने फोन पर बधाई देते रहे और सभी ने आज सुबह विधायक जीतू पटवारी के ऑफिस पहुंचकर आभार व्यक्त किया। इधर जीतू पटवारी ने सभी को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया और जीत की शुभकामनाएं दी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए राव से संवाददाता इमरान मंसूरी की खबर। ऐसा है कि ये जो पंचायत चुनाव होता है, ये व्यक्तिगत संबंधों का चुनाव होता है और इसको पार्टी से नहीं देखा जाता है, व्यक्तिगत संबंधों से देखा जाता है। तो मैं मानता हूँ ऐसे में ज़्यादातर परिवार के लोग अच्छे चुने गए होंगे। जनता ने चुना है तो अच्छे ही चुना होगा। लोकतंत्र में जब पंचायत का चुनाव होता है तो गाँव की सरकार कैसी हो, कौन चला सकता है, ध्यान रख के चुना। तो मेरे लिए तो राव विधानसभा पूरा परिवार है, पर ज़्यादातर परिवार के साथियों ने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने हैं और हम सब मिलकर राव का विकास करेंगे।